देखिए गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की सॉस। और ये हमने 3 किलो टमाटर लिए हैं, इन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हमने इनको ऐसे यहाँ से साफ़ कर लिया अच्छी तरीके से, और इनके दो दो टुकड़े करके कुकर में डाल दिए। देखिए गाइस, हमने बहुत सारे काट के कर दिए हैं इसके अंदर, और अब हम इन्हें 2 सीटी लगाएंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे 4 घंटे बाद। उबाल कर ठंडे कर लिए हैं, और अब हम इन्हें मिक्सी में पीस कर ऐसे छन्नी में को छान लेंगे। इसके बीज निकल जाएंगे सारे बाहर। हमने उबाल लिया है और ठंडा करके मिक्सी में पीस लिया है, और हमने इसे छन्नी में को छान लिया है। और इसमें अब हमने ये लिए है इमली, इसको हमने रात भर भिगो कर रखा है। और ये इसमें डालने वाली एसिटिक एसिड, ये आपको कहीं भी स्टोर की दुकान पर मिल जाएगी। और ये है सोडियम बेंजोन। देखिए गाइस, ये भी आपको स्टोर पर मिल जाएगा आराम से। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अरारोट। गाइस, ये हम 1 किलो टमाटर में 1 चम्मच अरारोट डालते हैं, और ये डालेंगे अब इसमें हम चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, कोई खट्टा खाता है तो कोई मीठा खाता है। ये इसमें हमने डाली 2 चम्मच मिर्च, पिसी हुई मिर्च। ये डाला हमने इसमें 50 ग्राम के करीब नमक। गाइस, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, चाक कर कम बत्ती हो तो डाल सकते हैं। ये डाली हमने इसमें 1/2 किलो चीनी। और ये डाला गाइस हमने पानी में घोल करके अरारोट। गाइस, इसको हम ठंडे इसमें ही मिला लेंगे, गर्म में डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ पड़ने का डर रहता है, इसलिए हम इसे ठंडे में ही मिला देंगे। इसे अच्छी तरीके से चला दिया, और अब लेते हैं हम अपनी इमली। ये अच्छी तरीके से ऐसे हाथ से करके निकाल लीजिएगा इसमें, और इसे ऐसे निचोड़ के एक तरफ कर दीजिए। और इसे भी हम इस छन्नी में को छान लेते हैं। देखिए गाइस, अब हम डालते हैं 1 चम्मच सोडियम बेंजोन। देखिए गाइस, ये चम्मच भर लिए हमने इसे कटोरी में डाल दिया ऐसे, और इसे भी पानी से घोल दिया ऐसे, और इसको अभी इसके अंदर डाल दिया। अब चलते हैं हम अपनी गैस की तरफ, और हमने ये इसको गैस पर
लिया। देखिए गाइस, हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला है और कुछ ज़्यादा केमिकल भी नहीं डाले हैं, लेकिन हम इस सॉस को फिर भी 5 और 6 महीने तक स्टोर कर कर रख सकते हैं। इसलिए आप भी अपने घर में बनाइए और खाइए। पक रही है अभी और हम इसे कम से कम तब तक पकाएंगे जब तक ये कैड़ी ना हो जाए। अभी देखिए बहुत पतली है ना, अभी ये जब कैड़ी हो जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे कितनी अच्छी है और देखने में भी सुंदर और शरीर के लिए भी बहुत अच्छी होगी। बाजार की मतलब केमिकल आते हैं, लेकिन हमने इतना कोई केमिकल नहीं डाला, ना ही कोई कलर डाला है इसके अंदर। अपने घर की बनाई हुई सॉस जब पक जाएगी गाइस तब देखना ये कैसी हो जाएगी। अब ये पक चुकी है, कम से कम हमने इसे 1 घंटे से भी ज़्यादा पकाया है। अब ये इतनी थिक हो गई है, जब हम ये ठंडी हो जाएगी तब हम ये वाली सीसी डालेंगे इसमें 2 चम्मच। 3 किलो टमाटरों में 2 चम्मच हम ये डालेंगे। और अब ये देखिए इसको चेक करने का तरीका, ये ऐसे ली, इसको ठंडी सी करी और ये देखिए गाइस जितनी नहीं बह रही है ना, ये ठीक हो गई है ना। ठीक है गाइस, अब चलिए आगे देखिए, तब ये ठंडी हो जाएगी हम ये डालेंगे इसमें और इनको अपनी बोतलों में भरकर कांच की शीशियों में भरकर रख देंगे और 6 से 7 महीने तक आराम से इसको हम स्टोर कर सकते हैं। कमेंट करें।